दोस्तों, आपने 1981 की फिल्म हिना तो देखी होगी ना, जो उस दौर की सबसे लोकप्रिय फिल्म मानी जाती है, क्योंकि ये फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित थी जो दर्शकों को बड़ा पसंद आई, जिसके चलते ये सभी दर्शकों की लोकप्रिय फिल्म बन गई। इस फिल्म में जितने भी कलाकारों ने काम किया ना, इन किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया था और प्रसिद्ध भी हो गए। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के बारे में बताएंगे, जो आज पहले से ज्यादा बदल चुके हैं और आज एक्टिंग छोड़कर अलग अलग काम करके जिंदगी बिता रहे हैं। तो आइए जानते कौन है। नंबर 5, फरीदा जलाल। इस फिल्म में सहायक अभिनेत्री के तौर पर फरीदा जलाल ने बीबी गुल का किरदार बड़े खूबसूरती से निभाया और इसे काफी पसंद किया गया और ये लोकप्रिय भी हो गई। इन्होंने इस फिल्म के बाद कई और फिल्मों में काम किया, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आराधना, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन इस फिल्म में बीवी गुल का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज 70 साल की हो गई हैं और पहले से ज्यादा बूढ़ी भी हो चुकी है। आपको बता दें, इन्होंने अभी तक अपने करियर को जारी रखा है। इन्होंने अभी कुछ समय पहले शाहिद कपूर की फिल्म 32 गुल मीटर चालू में काम किया। अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने 1978 में अभिनेता तबरेज बरमावर से शादी की, जिसका नाम यासीन जलाल है। लेकिन अफसोस की बात, इनके पति आज इस दुनिया में नहीं है। नंबर 4, कुलभूषण खरबंदा। इस फिल्म में चांदनी के पिता का किरदार अभिनेता कुलभूषण खरबंदा ने निभाया, जो कि अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं। इस फिल्म में इनका किरदार काफी साधारण था, जिसे इन्होंने बड़े अच्छे से निभाया और दर्शकों से सराहना हासिल की। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें दामिनी, बॉर्डर, शान, जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में चांदनी के पापा का किरदार निभाने वाले ये अभिनेता आज 84 साल के हो चुके हैं। ये पहले से ज्यादा बदल चुके हैं, जिन पर बुढ़ापे का असर काफी अच्छे से झलक रहा है। आपको बता दें, इन्होंने अभी अपने करियर को विराम दे दिया है। इन्हें आखिरी बार 2018 की फिल्म सूरमा में देखा गया। अगर बात करें निजी जीवन की, तो इन्होंने महेश्वरी देवी खरबंदा से शादी की, जिनसे इन्हें 2 बेटियां, श्रुति खरबंदा और कृति खरबंदा। नंबर 3, ऋषि कपूर। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता चंद्र प्रकाश का किरदार ऋषि कपूर ने निभाया, जो चांदनी के प्रेमी होते हैं। लेकिन बाद में ये गलती से पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते इन्हें हिना से प्यार हो जाता है। इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को अच्छे से निभाया, जिसके चलते दर्शकों ने इनके किरदार को काफी पसंद किया। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें दीवाना, प्रेम ग्रंथ, दामिनी, बोल राधा बोल जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में चंद्र प्रकाश का किरदार निभाने वाले ये अभिनेता आज 68 साल के हो गए हैं। पहले से ज्यादा बदल चुके हैं, हैंडसम तो नहीं रहे, पर आज भी फिल्मी करियर को जारी रखे हुए हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म शर्मा जी नमकीन की शूटिंग में बिजी है। आपको बता दें, इनके निजी जीवन के बारे में, तो नीतू कपूर से इन्होंने शादी की, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। नंबर 2, अश्विनी भावे। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री चांदनी का किरदार अश्विनी भावे ने निभाया, जो चंद्र प्रकाश की प्रेमिका होती है और उनसे बड़ा प्यार करती है। इस फिल्म में इन्होंने इस किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया, अपने इस किरदार से फेमस हो गई। आज भी इस फिल्म के किरदार के लिए इन्हें याद किया जाता है। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन इस फिल्म के बाद इनका करियर ढलने लगा, जिसके चलते इन्होंने चुपचाप सॉफ्टवेयर इंजीनियर किशोर बोपर्डीगर से शादी की। लेकिन अगर आप जानते हैं, इस फिल्म में चांदनी का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज 58 साल की हो गई है। पहले से ज्यादा बदल चुकी हैं, पहले से मोटी भी हो गई है। आज इनकी खूबसूरती पहले जितनी कायम तो नहीं रही और आज ये लाइमलाइट से दूर भी रहती हैं। नंबर 1, जेबा बख्तियार। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री हिना का किरदार जेबा बख्तियार ने निभाया, जो चंद्र प्रकाश से बहुत प्यार करती है। इस फिल्म में जेबा बख्तियार का अभिनय और उनकी मासूमियत भरा चेहरा दर्शकों को बड़ा पसंद आया और ये लोकप्रिय हो गई। पर फिर भी इस फिल्म के बाद इन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया, जिसके चलते पाकिस्तान चली गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में हिना का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज 58 साल की हो गई है। पहले से ज्यादा बदल चुकी है। ये पहले से काफी खूबसूरत लगती हैं, पर इन पे बुढ़ापे का थोड़ा असर दिखने लगा है। जेबा बख्तियार ने अभी अपने करियर को जारी रखा है। ये पाकिस्तानी सीरियल में काम करती है। अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने 4 शादियां की, जावेद जाफरी, सलमान वरियानी, अदनान स्वामी और सोहेल खान लेघारी से, जिनमें से इनकी 3 शादियां असफल रही। आज ये सोहेल खान लेघारी के साथ मैरिड लाइफ में खुश हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी कलाकारों में किस कलाकार का इस फिल्म में सबसे ज्यादा अच्छा अभिनय लगा, आप हमें उनका नाम लिखकर बता दो कमेंट बॉक्स में। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो।